कांग्रेस पर नहीं, भाजपा पर नहीं, अब की बार दर गुरुवार हिंदू ही आगे केंद्र आ हिंदू ही आगे केंद्र ठेली द्वारा एक मुठ्ठी अनाज एकत्रित करी 10-10 किलो नी बैग गरीबों ने आपीने कोई हिंदू भूखियो न रहे मफत ब्लड प्रेशर शुगर हिमोग्लोबिन नी तपास करीने गरीब ने प्राइवेट नो मफत डॉक्टर युवानों ने रोजगार महिला ने सुरक्षा स्वावलंबन ट्रेनिंग बालकों ने टैलेंट आगल ले जावानो प्रयास अने आ हिंदू ही आगे केंद्र 51 लाख हिंदू साथी दरेक गाम में 10 अने शहरना मतदान मथक में 25 आवा 51 लाख हिंदू साथियों की मदद थी अब की बार हिंदू सरकार आ देश में उभी करवानो प्रयास छे। अयोध्या में राम मंदिर पण जोईए अने करोड़ों बेकार युवानों ने नौकरी पण जोईए। नोटबंदी अने जीएसटी लावीने 1 करोड़ थी वधारे लोकोनी नौकरी जूटवी लेवामां आवी। नोटबंदी जीएसटी ने कारणे धंधा अने व्यापार बंद थया 1 करोड़ लोको युवानो बेरोजगार थया। एटले आपणे अयोध्या में राम मंदिर पण जोईए अने करोड़ों युवानोने रोजगार जोईए। आनु नाम अब की बार हिंदू सरकार। મારા ભાઈ એવું છે કે 32 વર્ષ સુધી RSS અને ભાજપવાળા કહેતા હતા કે સત્તા આવશે તો સોમનાથની જેમ રામ મંદિરનો કાયદો બનાવીશું। 2014માં સત્તા આવી તો કાયદો ભૂલી ગયા અને કોર્ટ કોર્ટનું નામ રટવા માંડ્યા। હવે 5 વર્ષ પૂરા થવા આવ્યા અને ચૂંટણી આવી તો ફરીથી કાયદો કરવા માંડ્યા। મને તો બીક છે કે ચૂંટણી જતી રહેશે તો મસ્જિદમાં જઈને રહીમ કરવા માંડશે, એની ઉપર ભરોસો થાય કઈ રીતે? એટલે રામ મંદિરનું કામ તો સત્તામાં બેઠેલા ની બેઈમાનીને કારણે હવે હવામાં લટકી રહ્યું છે। अब की बार हिंदू सरकार कांग्रेस पर नहीं, भाजपा पर नहीं, अब की बार हिंदू सरकार।